TRE3 का जो नोटिस आया है वो आप सभी के सामने है और आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी आ चुका है। मैं आपको बताने वाली हूँ हर एक जिले का, सारे जिले का तो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होगा, ना ही सारी वैकेंसीज का, मतलब सारे विषय का, बट फिर भी यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और जैसा कि आप लोग उससे रिलेटेड पूछ भी रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो जिले वाइज वैकेंसीज हैं, जैसा कि आपको पता है कि 6 to 8 में आपका मैथ और साइंस के लिए किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि एट द एंड आप यही चाहेंगे कि आपका जो है आपके घर के आसपास होम टाउन में ही आपका जो है आपका सिलेक्शन हो तो आपको वहीं पर नौकरी करने का मौका मिले। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ में मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि अभी तक टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे कॉम्पिटिशन का आइडिया लगता है। बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा TRE1 था उसमें 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, TRE2 में आपका 6 लाख, तो TRE3 में आखिर में कितने फॉर्म भरे गए हैं, सिलेक्शन कितना हो सकता है, बिकॉज वैकेंसीज भी कम नहीं है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड क्लासेस हो ही रही है, 5 बजे हमारा साइंस का चल रहा है और आज और कल में हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो अभी सेल चल रहा है टेस्ट बुक पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि सस्ता होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो न्यूज़पेपर में निकला है वही सेम चीज, उसके बाद से जो ऑफिशियली आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको पता है कि अब आपका फॉर्म की डेट भी बढ़ चुकी है, 26 हो चुका है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है विस्तृत सूची। 87,000 इतने पे होने वाली है बहाली, सबसे अधिक आपका प्राथमिक में है 28,026। चलो ये तो सभी को पता है, तो अभी तक हम लोगों को नहीं पता था ना कि कितनी रिक्तियां हैं, तो ये सारी विषयवार और जिलेवार सब कुछ आ चुका है और इनमें आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या भी दी गई है और महिलाओं के लिए आरक्षित मतलब जो आरक्षित सीट है उसका भी अलग से उल्लेख किया गया है। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत 10 फरवरी से आवेदन लिया जा रहा है और शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक, ये देखिए ये आपका फ्राइडे का है क्योंकि आज तो सैटरडे है तो आज की इंफॉर्मेशन तो हमें कल मिलेगी ना, तो शुक्रवार मतलब कि शुक्रवार को फ्राइडे तक जो है 4,23,000 इतने जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 3,91,000, इतना ध्यान रखना मतलब 3,91,000 ने अपना पेमेंट करके सबमिट कर दिया है। तो ये है फॉर्म की संख्या अभी तक और आज हमारा हो गया 24, कल है 25, 26 लास्ट डेट है, तो कहीं ना कहीं अभी भी और फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए ये है हमारा, तो 3 लाख के आसपास जो है 3,91,000 ही सबमिट हुआ है। दोपहर 12 बजे तक प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1,31,000 है, मध्य के लिए आपका 1,78,000 है, मतलब 6 to 8 के लिए सबसे ज्यादा है आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बीएड डीएलएड दोनों शामिल होंगे, और माध्यमिक के लिए आप देखें तो 1,25,000 और उच्च माध्यमिक के लिए केवल 49,000 इतने ही फॉर्म भरे गए हैं। तो ये आपके सामने है, बाकी आपको पता ही है कि प्राथमिक विद्यालय में सामान्य श्रेणी की 11,861 रिक्तियां, यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य उर्दू बांग्ला सभी के अलग अलग रिक्तियां, इतना ध्यान रखिएगा जो वैकेंसीज आई है ना उसमें आपका सामान्य भी है, उर्दू भी है, बांग्ला है, तो ये तो आपने देखा ही होगा। बाकी मध्य में गणित व विज्ञान में सर्वाधिक रिक्तियां हैं, अगर आप देखें 6 to 8 में तो सबसे ज्यादा मैथ और साइंस में है, 6,114 है, ठीक है, और जिनमें से 2,552 तो महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी सामाजिक विज्ञान में 3,710 हैं रिक्तियों में से, केवल 1,684 रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 2,586 रिक्तियों के साथ अंग्रेजी तीसरे स्थान पर है, उसके बाद से आपका हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा गणित और विज्ञान में है। तो कुल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो अभी तक आपका 4,23,000 जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, 3,91,000 पेमेंट हो चुका है, 26 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्राथमिक में आपका 28,000 है, 6 to 8 में 19,000 सीट है, माध्यमिक में आपका 16,000, ठीक है, और उच्च माध्यमिक में 22,373, और ये महिला आरक्षित, तो जितनी भी महिलाएं हैं आप ये देख सकते हैं महिलाओं के लिए इतनी सीट रिजर्व है, ठीक है। तो माध्यमिक में अंग्रेजी में सबसे ज्यादा है और उच्च माध्यमिक में रसायन शास्त्र में। तो ये हो गया चलो सीटों की संख्या है। अब यहाँ पर मैं ये वही सेम चीज है आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर लिख रहा है कि किस कक्षा में कितने पदों पर भर्ती हो रही है, तो आप देख ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा 1 to 5 में है, उसके बाद आपका 11 से 12 में है, फिर आपका 6 से 8, 9 से 10 में कम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सीटों की संख्या। बाकी मैं यहाँ पर जो चीज आपको दिखाना चाहती हूँ ये देखिए, तीसरे चरण में 87,714 शिक्षकों की नियुक्ति BPSC ने जारी की नियुक्तियां और आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है 26 फरवरी तक, और यहां पर वही सेम चीज लिखा हुआ है कि कितने रिक्तियां हैं, कितना जो है इस पे फॉर्म भरा गया है और सारा सब्जेक्ट वाइज है कि कितनी वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि सबका विषय भी अलग अलग होगा तो सबको जानना है कि भाई हमारे विषय में कितना है। तो चलो मेन आ जाते हैं जिले वाइज पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 6 to 8 का दिखा, 9 से 10 का ये दिखा देती हूँ। ये देखिए
महिलाओं के हेतु 35% अनुमान्य पद, मतलब वो 36 आरक्षण जो है वो फिक्स है, और 9 से 10 का ये आपको मैं दिखा रही हूँ मैथ साइंस और सोशल साइंस का। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको पटना जिले का बताऊं तो आप पटना में देखिए 138 पद हैं, ठीक है, ये तो महिलाओं के लिए। और महिलाओं के लिए पटना में अगर देखा जाए तो 21 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका जो है मेल कैंडिडेट का हो गया, आपका फीमेल हो गया, बीच में आपका दिव्यांग का हो गया। अगर मैं नालंदा जिले का बात करूं तो 62 है, भोजपुर का 71 है, बक्सर का आप देख सकते हैं 57 है। तो ये जिले वाइज भी इन्होंने वैकेंसीज रिलीज की है। यहाँ पर ये ऊपर तो आपका सामाजिक विज्ञान का था, और ये आपका गणित विषय के लिए, ये देखिए 9 से 10 का। तो अगर आप 9 से 10 में शिक्षक बनना चाहते हैं गणित का, तो पटना में अगर मैं देखूं टोटल सीट तो 73 है, नालंदा में 31 है। अगर मैं यहाँ पर आप देखूं तो सबसे ज्यादा मधुबनी में है 221, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जिले वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। फिर ये आपका सामाजिक विज्ञान का आ गया 9 से 10 का, ये आपका पटना में 57 है, नालंदा में 32 है। अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो मधुबनी में है सबसे ज्यादा सीट 148, और यहाँ पर ये महिलाओं की आपको दिख रही है। वैसे पटना में बहुत ज्यादा सीटों की संख्या नहीं होगी, आपको पता ही है। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं 628 का, चलो एक बार 628 का मैं आपको बता देती हूँ। तो 628 का ये गणित गणित और विज्ञान विषय का है। तो अगर मैं अररिया की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये आपका नरक्षित, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा और महिला, ये सारी कैटेगरी के बाद से यहाँ पर आपका ये टोटल पोस्ट है। तो आप देखिए अररिया में कितना है, 142 है, अरवल में कितना है, 31 है, उसके बाद से आपका 204 है औरंगाबाद में। ये गणित विज्ञान की वैकेंसीज है जिले वाइज। तो ये जिले वाइज वैकेंसीज आपका, ये गया में है 283, तो आपको इतनी ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी, 200-300 हर जिले में, इतना नहीं मिलेगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको 1-5 का दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये नीचे आपका सामाजिक विज्ञान का है। अगर आपको ये देखना होगा पीडीएफ तो मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप वहां पर ज्वाइन हो जाएं। अररिया में 91 है, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिलेगा। अगर मैं इसमें आपको सबसे ज्यादा बताऊं तो कहीं ना कहीं 212 सीट आपको मधुबनी में मिलेगी। मधुबनी में सीटों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, ये सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। बाकी आपका, और हाँ 302 यहाँ पर इसमें भी ज्यादा है गया में, गया में भी 302 है, ये भी वैकेंसीज ज्यादा है। 1-5 का मैं आपको बता देती हूँ सामान्य पदों के लिए। तो अगर 1-5 का हम कुल पद की बात करें तो अररिया में आपका 171 है, और यहाँ पर आपको एक जो है दरभंगा में पिछली बार भी ज्यादा वैकेंसीज थी, 1271 है, 1381 आपका मुजफ्फरपुर में भी ज्यादा वैकेंसीज है, आपका मधेपुरा में भी 1189 है, ठीक है, आपका पूर्णिया में भी वैकेंसीज ज्यादा है, साथ में आपका जो है 2023 वैकेंसीज आपका समस्तीपुर में। तो ये 1-5 की है जिले वाइज वैकेंसीज। तो इस अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि जिस जिले में जितनी ज्यादा वैकेंसीज होगी वहां पर जो है ज्यादा लोगों का होता है। बाकी आप खुद सोचो कि कितने लोगों का पटना में हो सकता है। अगर किसी जिले में केवल 20 ही वैकेंसीज है तो 20 लोगों का ही तो होगा, तो ये भी डिपेंड करता है। और ये जो है इन्फॉर्मेशन जो आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो रिक्तियों का रोस्टर जारी हो चुका है और फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ चुकी है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि विषयवार रिक्तियों के इंतजार में जो लोग थे सबको मिल चुका है, और अभी तक आपको पता है कि टोटल जो पेमेंट हुआ है 3,91,000 के अकॉर्डिंग, और TRE1 और TRE2 की तुलना में कम अभ्यर्थियों ने भरा है फॉर्म। तो जी हाँ, ये सच है कि इस बार उतने फॉर्म नहीं भरे गए हैं, क्योंकि TRE1 में आपको पता है 8 लाख के आसपास, TRE2 में 6 लाख के आसपास, और इस बार अगर आप यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है 6 लाख, TRE1 में 8,41,000, और अभी हमारे TRE3 में जो है पूरे फॉर्म जो है सबमिट वो 4 लाख भी नहीं हुआ है। तो आज देखते हैं कितना हो जाता है, क्योंकि 26 तो वैसे भी लास्ट डेट है। तो 86,474 पदों पर होगी बहाली। अब तक के आधार पर प्रति 5 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को मिलेगी सफलता, मतलब 5 लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखा जाए तो पिछली बार के कंपेयर में उतना कंपटीशन नहीं है, इस बार कट ऑफ हाई जाने की संभावना भी कम है, अभ्यर्थियों की संख्या के मुताबिक बेहतर होगा, ठीक है। तो ये जो रजनीश कुमार है उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कितने फॉर्म भरे गए हैं सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ, बाकी एक एक जिले का बताना पॉसिबल नहीं है, टेलीग्राम पे भेज दूंगी, खुद देख लेना। क्लास के लिए तैयार रहें, 5 बजे साइंस की क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।